अम्मी को आराम से ले आओ। चलो हाँ। अस्सलाम वालेकुम पैरवर्स, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। गुड मॉर्निंग, अभी सुबह सुबह का टाइम है, सुबह के 8 बज रहे हैं और हर कोई अपने कामों में मसरूफ़ है। रिमशा हवेली की सफाई कर रही है और अभी आज हम बहुत ज़्यादा अपसेट हैं क्योंकि रात हमारी पूरी परेशानी में गुजरी है। अम्मी को तकरीबन फिर से हमें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, लेकिन अम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हो रही, पता नहीं क्या हो गया है। तो आज फिर से अभी मैंने गाड़ी वाले को बुलाया तो हम बहावलपुर जा रहे हैं जहाँ पे टेस्ट वगैरह होंगे, सारा कुछ होगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि अम्मी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तो अभी मैंने कहा है कि सुबह सुबह काम ख़त्म कर लेंगे तो मैं भी अम्मी के साथ ही जाऊंगी। हाँ, रिमशा भी जाएगी, ठीक है, और आयशा का हाँ भी ले लेंगे क्योंकि हाँ। आयशा की भी तबीयत ख़राब है और पता नहीं क्या हो रहा है हर घर में ना, हर दूसरे बंदे की तबीयत ख़राब हो रही है। ख़त्म होती है तो दूसरी आ जाती है, अल्लाह बेहतर करेगा सब इंशाल्लाह। आप सब ने दुआ करनी है, आप सब ने दुआ करनी है मेरी अम्मी के लिए कि मेरी अम्मी ठीक हो जाए जल्दी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है। आप काम वगैरह फिनिश कर लो, फिर तैयारी करो और फिर जो है वो चलते हैं। सारी तीलियां तो उन्हें निकाल दी हैं, ये बच्चों के काम है सब। अभी जी मैं मेरे कपड़े धो के खड़े किए हुए हैं, ये अभी सूखेंगे तो फिर मैं ये पहन के फिर जो है वो हम जाएंगे। और अभी अम्मी जान जो है वो, अम्मी का मसला ये है कि एक टांग जो है वो बिल्कुल सुन्न हो चुकी है, उससे चलना फिरना मुश्किल हो गया है। पहले तो हमें लगा कि आर्जी तौर पे ऐसे ही कोई पेन वगैरह है, तो इधर से हमने काफ़ी जगह से दवाई ली है लेकिन फ़र्क कोई भी नहीं पड़ रहा। तो इधर मैं नाज आपी भी बैठी हुई हैं, ठीक है, और जल्दी जल्दी काम ख़त्म करवा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम आपी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है कि आप सब मेरे बहन भाई देखने वाले जितने भी हैं खैरियत से होंगे, और क्योंकि अम्मी और की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो मैंने कहा कि भाभी अकेली है और आशा की भी थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो मैंने कहा कि जल्दी जल्दी से जो है काम ख़त्म कर लेते हैं। वो अकेली है ना भाभी जी, फिर घर का आप भी चलोगी साथ? अभी हाँ चलेंगे, अम्मी अकेली कैसे जाएगी, सारा रात तो वो सोई नहीं है अम्मी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, आप काम जल्दी जल्दी ख़त्म कर लो, ठीक है, और मेरे वो कपड़े वगैरह जो है वो प्रेस हो जाते हैं तो फिर जो है वो गाड़ी वाला भी आ रहा है तो फिर अम्मी को ले कर चलते हैं, ठीक है। अपनी देगड़ियाँ वगैरह बांध लो आप, ये। आप देखें आप ही इधर आराम करने के लिए आई हैं तो इधर नहीं, उनको नहीं, काम पे लगा दी। हमें आदत है काम की तो हम बैठ नहीं सकते, उधर भी आपको पता है कि हमारे घर के काम बहुत ज़्यादा होते थे, मैं अकेली ही करती थी और इधर भी फिर बंदा बैठ नहीं सकता, ठीक है, मेहमान बन के नहीं बैठ सकता। ये देख लीजिए सारी जल गई थी रात को। चलें दी, अभी काम ही साथ साथ ख़त्म हो रहे हैं। यार ये वाला ना इधर पड़ा हुआ ना बड़ा अजीब लग रहा है, इसको आज रक्षे वाले को बुलाता हूँ, आज नहीं सुबह सुबह, आज तो अम्मी को लेके जाना है। तो यार यार सारी मट्टी उड़ाई हुई है तुमने, धूड़ उड़ाई हुई है तुमने। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, कैसी तबीयत है, आराम हो रहा है, कोई फर्क है कोई? हाँ, देखें अम्मी की ये वाली जो टांग है ना बिल्कुल सुन्न हो चुकी है, काम नहीं कर रही, तो इसलिए ना अम्मी जान बोल दिया हुआ है गाड़ी वाले को, आ रहे हैं आप तैयारी वगैरह करें, वो सब जो है वो जैसे ही तैयार हो जाते हैं तो फिर चलते हैं, ठीक है। और रात को सुहेल मैं हम सब भागते रहे हैं, रात पूरी रात हम नहीं सो सके परेशानी की वजह से, अम्मी की वजह से। तो अभी देखें सुहेल की हालत, ये कैसे सो रहा है, बेहोश हुआ हुआ है, अच्छा रो रही है। अभी देखें कल आ रही है, मेरे ख्याल में वो आ गया हुआ है और इनकी तैयारी अभी तक मुकम्मल नहीं हुई। कितनी देर है? बस हो गई हुई है, चले आ जाओ। आयशा भी इधर तैयार हो गई है, आयशा आयशा चलो आओ, अम्मी को बुलाओ, सबको बुलाओ, गाड़ी वाला आ गया हुआ है तो चलें।
जाओ। अब यम्मी आप ही वगैरह सबको बोल दिया हुआ कि जल्दी करो, वो आके ना खड़ा ना रहे। इधर दो। अभी मुस्तकीम मेरी जूता ले आया कि मामू ये पहन लें, तो ये वाली मेरी जूता टूटा हुआ है। ठीक है मुस्तकीम, आप भी जा रहे हो हैं? चलो हाँ, सब जो है इसको भी जो है वो ये भी साथ जाने लगा कि नहीं मैं भी चलता हूँ। और इधर मेहनाज आप ही ने भी तैयारी कर ली हुई है, चले वो ना अम्मी की है, वो अभी उसको चादर पहना के कार वाला कहाँ है, बाहर आया हुआ है, जल्दी करो, इतनी देर हो गई वेट कर रहा है वो। अपनी सवारी हो ना फिर ये टेंशन नहीं होती, अभी दूसरों की चीज तो फिर इंतजार करना पड़ता है ना बंदे को। ले आओ अम्मी को आराम से ले आओ। चलो अम्मी की इस टांग में ना अम्मा ही डांगे मसला है ना, केड़ी च इंदे च अम्मी की इस टांग में ना बहुत ज्यादा मसला हो चुका हुआ है। तो अभी गाड़ी वाले को बुला लिया हुआ है, तो जाने लगे हैं हॉस्पिटल। आप सब ने दुआ करनी है कि सब खैरियत तो ठीक है। उठा तो मां मां वैसे भाई उठा तो बोल वैसे हैं वैसे भाई हो ले। चलो वो सामने गाड़ी वाला खड़ा हुआ, तो इधर से अभी भाई आज क्यों है, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है तबीयत से? ठीक है, आगे चले गए थे अभी अंकल ना भूल के आगे चले गए हैं, तो फिर उनको इनको बुलाया। ठीक है हम आ रही हैं, बैठते हैं चलते हैं। अम्मी को ना सब अभी पूछने लगे हैं कि कहाँ लेके जा रहे हैं, क्या हो गया है। सारी औरतें आ गई ना पूछने लगी हैं। आप जाओ फिर मैं पीछे सामान वगैरह ले। हाँ सामान वगैरह तुम्हें जो बोला है ना, सीमेंट ले आके रख देना, ठीक है। रेत वाला अगर नजर आ जाए ना कहीं, उसको भी बोल देना कि एक रेडी डाल दे, ठीक है। फिर कल मुश्किल से टाइम लिया, चलो दरवाजा लग जाएगा, गेट लग जाएगा। हाँ अच्छा गाइस, तो मैंने लिया है अम्मी के लिए जूस और कुछ जो है ये बोतल वगैरह। तो हर इलाके का ना तकरीबन अपना ही रेट है, तो उधर से मुझे मिल रहा था जूस ये वाला 350 का, हमारे गांव से इधर दे रहे हैं 400 रुपए का।
ख्याल ख्याल से बैठे अम्मी बैठे। वाह उदू बैठ तू अम्मा को एक साइड दे वहां दे। हाँ मैं चाह बस अच्छा को मैं उठा लेता हूँ आगे। हाँ आगे देना अंदर देना तुम्हें बैठो तो सही बंद करूं। ठीक है जाओ मुस्तकीम बैठो उधर जाओ। मुस्तकीम अगर ना जाओ